बाकी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। रब्बाना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बाना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह हमारी रहम टीवी मीडिया को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इशात दीन, दिफा इस्लाम और खिदमत खलक के लिए या अल्लाह हमने ये सिलसिला जारी कर रखा है, पूरे इखलास के साथ इसको जारी सारी फरमा। या अल्लाह इस्तकामत के साथ या अल्लाह में दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। और हमारी पूरी टीम रहम टीवी की है, या अल्लाह सब की खिदमत को कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअज़ाका मिन نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله। या अल्लाह दुनिया भर में बुजुर्गान दीन और उलमा रब्बानीयीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह आफियत सेहत के साथ उनकी उम्र को दराज फरमा। या अल्लाह इस उम्मत को उलमा दीन से महरूम ना फरमा, बुजुर्गान दीन से महरूम ना फरमा। या अल्लाह पिछले दिनों में बड़ी तेजी से बुजुर्गान दीन और उलमा रब्बानीयीन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। या अल्लाह उलमा दीन की उम्र को दराज फरमा, उनके फैज़ को आम फरमा। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान के या अल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब को सेहत व आफियत अता फरमा, उनके फैज़ान को आम फरमा। हमारे शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुम आलिया को या अल्लाह सेहत व आफियत के साथ उनको लंबी उम्र अता फरमा, उनके फैज़ान से हमें पूरा पूरा इस्तेफादे की तौफीक अता फरमा। इसी तरीके से या शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़रवली खान साहब या अल्लाह उनको भी सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह उनके उलूम व फैज़ान को भी आम फरमा। या अल्लाह इसी तरीके से जो जो भी अहले उलमा किसी भी फ़िरक़े से किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, तमाम अहले हक उलमा की हिफाजत फरमा, उनकी उम्रों को दराज फरमा, उनके फैज़ान को आम फरमा। हमारे विफाकुल मदारिस के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ जलंदरी साहब दामत बरकात मालिया को सेहत व आफियत व कुव्वत के साथ खूब खूब या अल्लाह मदारिस की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे जो है सियासी दुनिया के हमारे इस्लामी सियासत के कायद जो है मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकात आलिया को सेहत व आफियत अता फरमा, सेहत व आफियत के साथ उनकी उम्र को दराज फरमा। या अल्लाह इस्लाम के लिए उनकी खिदमत को कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह और जितने उलमा या अल्लाह पाकिस्तान की खिदमत में या अल्लाह मुख्तलिफ असेंबलियों में काम कर रहे हैं, उन सब उलमा दीन को या अल्लाह सही खतूत पर या अल्लाह दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, मुल्क व मिल्लत की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर तरह या अल्लाह उनको हिफाजत आफियत अता फरमा। या अल्लाह हमारे निज़ामुद्दीन मरकज़ के अमीर तबलीग मौलाना मोहम्मद साद साहब कांदेलवी दामद बरकात आलिया की उम्र को दराज फरमा, उनके फैज़ान को आम फरमा और दावत तबलीग के पैगाम को पूरे आलम के अंदर आम फरमा। हमारे रेवेंट के अमीर मौलाना नज़र रहमान साहब को सेहत व आफियत अता फरमा, उनके फैज़ान को आम फरमा। या अल्लाह बाकी आप दाना बीना हैं, या अल्लाह बुजुर्गान दीन और उलमा रब्बानीयीन के नामों से भी वाकिफ़ हैं, या अल्लाह सब के लिए मैं दिल से दुआ करता हूँ। या अल्लाह सब के फैज़ान को आम फरमा और हमें उनसे इस्तिफादे की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ्व वल आफियत दुनिया वल आखिरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या